हाय दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र अग्रवाल है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार दोनों बहुत अच्छे हों और आने वाला समय भी। दोस्तों, हमारे चैनल पे हैं बहुत सारे वीडियो रिपेयरिंग के भी हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के भी हैं, और बहुत सारे वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए भी हैं, ये बताने के लिए भी है कि लाइफ में सक्सेसफुल बनने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम बने भाई, कैसे आपको बनना है। तो ऐसे ही कुछ लेके आज मैं आपके लिए आया हूँ एक छोटा सा वीडियो, और ये है एक विश्वास का वीडियो। दोस्तों, क्या होता है विश्वास? विश्वास एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाने के बाद तो काम आएगी, मतलब आप सक्सेसफुल बन जाओगे ना उसके बाद काम आएगी। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल बन जाते हो ना तो उसको बन जाना भी एक आसान चीज है। चलो मैं बोलता हूँ बन गए, और उसको कायम रखना एक बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है कि आप सक्सेसफुल को बने रहे, मतलब एक मंजिल पे आकर वहां पर ठहर जाए, ये बहुत मेहनत करना पड़ता है। और सिर्फ मेहनत ही नहीं, एक विश्वास ये भी आपके पास होना चाहिए और दूसरों पे भी करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में ना कभी भी कुछ भी अकेले असंभव है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा किसी ना किसी साथी की आपको जरूरत पड़ेगी। अब वो आपके साथ घर का हो, आपका दोस्त हो, या आपका पड़ोसी हो, या आपका कोई सभी आपका पार्टनर या कोई भी हो, आपने कहीं ना कहीं किसी की मदद से ही कहीं ना कहीं कोई मंजिल पाई होगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने लाइफ में उस आदमी का भरोसा तोड़ा, अगर आपने अपनी लाइफ में उसका विश्वास तोड़ा, उसकी सच्चाई और ईमानदारी के आप उसकी सच्चाई और ईमानदारी में आप अगर फेल हो गए तो जीवन में आप कभी भी सफल नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप सफल रहना चाहते हैं तो विश्वास, ये जो शब्द है ना, इसको जो कीमत है वो बनाए रखना जीवन में। इसीलिए छोटी सी एक कहानी है, सुन लीजिए। क्योंकि सफल लोग तो बहुत सारे होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, पर बहुत सी गलतियां उन्होंने अपनी लाइफ में की होगी जिसकी वजह से उनको बहुत सारा लॉसेस भी हुए होंगे, और हो सकता है कि सफलता से गिर गए वो असफल हो गए हों। दोस्तों, ये कहानी है एक साधु महाराज की, और जो कि एक डाकू है, मतलब रहते हैं वो डाकू के वेश में। एक दिन क्या हुआ कि एक काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, तो उनके व्यापारी यहाँ वहाँ भागे। तो एक व्यापारी एक तंबू के अंदर भाग गया, मतलब उन्हें छुप गया। वहाँ देखा कि साधु महाराज मस्त भगवान के में लीन, भक्ति में लीन। सो उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी जो सिक्कों की थैली है वो इनको दे देता हूँ। तो वो तो डाकू का कुछ तो ईमान धर्म होगा कि वो इनसे तो लेंगे नहीं। सो उसने उनको दे दिया। अब वो इस बात से अनजान कि वो जो साधु महाराज है वो तो इन डाकुओं का सरदार निकला। अब वहां जाके वो बहुत पछताया, उसने सोचा यार अब तो पैसे गए, अब क्या करूं। वो भी निराश, वो भी लौट रहा था। तो उसको लौट कर देख वो जो साधु महाराज जो कि डाकू थे, उसने उसको बुलाया और उसकी थैली वापस दे दी। ये देखकर वो हैरान हो गया, पर वो खुश था, वो कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि डाकू थे। वो चला गया अपने पैसे लेके। बट अन्य डाकू ने अपने सरदार से पूछा कि आपने हाथ आई लक्ष्मी को क्यों आपने ऐसा किया कि आपने वापस कर दिया, हम तो यहाँ पे पैसा ही लूटने आए थे। तो भाई लूट के जाते, आपने उसको क्यों आया हुआ धन आपने दे दिया उसको, क्या ऐसा वजह क्या है? तो जानना चाहेंगे क्या बोला वो? यही है इस वीडियो का, यही है इस वीडियो की सीख। तो उसने बोला कि जब वो आया तंबू के अंदर तो उसने देखा, तो बेसिकली उसने ना भगवान के भक्त पे भरोसा किया। उसने देखा कि भगवान की भक्ति में लीन एक आदमी कभी भी बुराई का काम नहीं करेगा, कभी भी किसी के विश्वास को धोखा नहीं देगा, और उसने मुझे वो थैली दी। तो उसी भावपूर्ण से मैंने उस थैली को वापस कर दिया। तो सारे डाकू हैरान, उसने सोचा हाँ ये बात तो सही है। दोस्तों, जीवन में याद रखना कि किसी के भी विश्वास को कभी मत तोड़ना। कभी शक या ईमानदारी या सच्चाई में खोट आपकी पूरी जिंदगी भर आपको है ना शक के घेरे में ला देगी, और कभी भी कोई भी तीसरा चौथा और आपके बारे में ना एक पूरे जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आपका घर परिवार वो होगा, आपके बारे में एक विचारधारा बन जाएगी, यार इस आदमी पर भरोसा नहीं करना, ये भरोसे के लायक नहीं है। आप मुझे बताओ क्या आप ऐसा बनना चाहते हो? नहीं ना। सो अपने साथ काम कर रहे लोगों को या अपने साथ रह रहे लोगों के साथ हमेशा सच्चाई के साथ में काम करना, भरोसे के साथ काम करना, और आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, साथ में मेहनत को दुगनी जरूर कर देना। सो कैसा लगा ये वीडियो? आई होप कि बहुत अच्छा लगा हो और समझ में आया हो कि भाई मेहनत तो बहुत जरूरी है, बट सच्चाई और भरोसा भी बहुत जरूरी है, जो आपको दिखाना है अपने साथी पे और आपके साथी को दिखाना है आप पर। क्योंकि दो लोग मिलकर ही दोस्तों कुछ ना कुछ हासिल करते हैं, अपनी लाइफ को बनाते हैं। सिंगल तो कुछ नहीं कर सकता, मैं सच बता रहा हूँ। अगर सिंगल की बात करूँ, बड़े बड़े प्लेयर उनके नीचे भी उनके पीछे भी कहीं ना कहीं उनके घर वालों का सपोर्ट या कोच का सपोर्ट होगा, किसी न किसी एक बंदे का सपोर्ट होगा। आज बहुत बड़े टेक्नीशियन बन गए हैं कुछ लोग, या कोई भी जो बन गए हैं उनके पीछे उनके ट्रेनर का सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं उनको
पहुंचाने के लिए उनके गुरुओं का सपोर्ट होता है, उनके माँ बाप का होता है, उनकी वाइफ का होता है, तो बस वही भरोसा बनाए रखो तो जिंदगी भर वो सपोर्ट करेंगे ना, तो लक्ष्य को पाते रहोगे और सफल होते रहोगे। बस यही कहना चाहता हूँ वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और एजे टेलीकॉम को लाइव देखने के लिए फेसबुक में जाइए और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो। मैं यही चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करो यार, और जितना हो सकता है, और अगर सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप हार्डवर्क, कीप मोटिवेट।